Hi friends, welcome to the desk Deva English Spoken Class. Friends, in the last class I taught you about the emphatic and statements. Part 1 and part 2 ho gaya hai. Aur today I am going to teach you about the emphatic and statements part 3. Okay friends, so let's start the class of the day. फ्रेंड्स, इम्फेटिक एंड स्टेटमेंट्स क्या होता है, उसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और भी ज़्यादा समझाने लायक है, बट इसमें कुछ अलग अलग तरह की सेंटेंसेस है जिसके लिए मुझे फिर से बार बार वीडियो इस पर बनाना पड़ रहा है. इम्फेटिक एंड स्टेटमेंट से संबंधित कई स्टेप आएंगे और भी दो तीन वीडियो बनेंगे आगे में. तो मैं समझता हूँ कि दो दो तीन तीन स्टेप से एक वीडियो में अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा. मैं सारे के सारे जितने भी 10-15 स्टेप्स हैं सारे के सारे स्टेप्स एक ही वीडियो में बता दूंगा, तो आपको शायद समझने में प्रॉब्लम होगा और आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व नहीं कर पाओगे. ठीक है फ्रेंड्स, सो शुरू करते हैं. तो मैंने सेंटेंसेस कुछ लिख के रखे हैं, इम्फेटिक एंड स्टेटमेंट्स पार्ट 3. तो फिर से मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ कि इम्फेटिक एंड स्टेटमेंट्स वैसे सेंटेंस होते हैं जिसमें जोर देकर कुछ भी बोला जाता है. जोर देकर मीन्स जोरदार सूचक शब्द जो होते हैं, जोरदार सूचक वाक्य. ठीक है फ्रेंड्स, जिसमें हम कुछ भी कोई भी बात बोलते हैं तो जोर देकर बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इम्फेटिक एंड स्टेटमेंट्स. ओके फ्रेंड्स, तो चलिए हम एक एक करके समझते जाते हैं. मैं बालू ही बालू देखता हूँ, ये हम जोर देकर बोल रहे हैं कि मैं बालू ही बालू देखता हूँ, मतलब बालू के सिवाय और कुछ नहीं दिखता मुझे, उधर सिर्फ बालू ही बालू दिखता है. तो इसको हम कैसे बनाएंगे, मैं बालू ही बालू देखता हूँ, आई सी नथिंग बट सैंड, आई सी नथिंग बट सैंड. यहाँ फूल ही फूल है, मीन्स पता नहीं, अरे बाप रे, यहाँ तो सिर्फ फूल ही फूल नजर आ रहे हैं चारों तरफ, मतलब फूल के सिवाय और कुछ दिख ही नहीं रहा है, मीन्स चारों तरफ फूल ही फूल है. मीन्स इस बात को हम जोर दे के बोल रहे हैं कि यहाँ तो फूल ही फूल है, मीन्स देयर इज नथिंग बट फ्लावर्स हियर, There is nothing but flowers here. Okay friends, वहाँ पेड़ ही पेड़ थे, simple है, उसी तरह की sentence है. There were nothing but trees there. There और here मैंने last में क्यों लगाया है आपको समझ में आ गया होगा. जब मैंने आपको इंट्रोडक्टरी देयर का वीडियो बनाया था मैं, तो आपने शायद जब देखा होगा उसको तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि हियर और देयर मैंने लास्ट में क्यों लगाया है. ठीक है फ्रेंड्स, मैं पानी ही पानी पाता हूँ, यानी उसी तरह का सेंटेंस है कि मैं पानी ही पानी पाता हूँ, मीन्स सिर्फ पानी ही पानी मिलता है उधर और कुछ नहीं मिलता है. तो आई फाइंड नथिंग बट वाटर, आई फाइंड नथिंग बट वाटर. अब यहाँ से थोड़ा कुछ अलग सेंटेंस हो गया, ये अलग तरह का है, इसमें कोई और शब्द का इस्तेमाल हम करेंगे. तो इसमें तभी मैंने एक बाघ देखा, तभी मैंने एक बाघ देखा, तो तभी का यहाँ पर इस्तेमाल क्या होगा. यहाँ पर तभी वाले सेंटेंस यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर अलग है, तभी तुम सफलता पा सकते हो और तभी मैंने एक बाघ देखा. यहाँ पर कंडीशन है कि तभी तुम सफलता पा सकते हो, और तभी यहाँ पर एक वाक्य है कि तभी मैंने एक बाघ देखा. जब हम किसी वाक्य की बात करते हैं कि तभी मैंने एक बाघ देखा, तभी वो आ धमका, तभी चोर आ गए, तभी बिजली चली गई, एक वाक्य की बात करते हैं तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे. ठीक है, तभी मैंने एक बाघ देखा, तो जस्ट देन आई सॉ और लायन टाइगर. यहां पर तभी के लिए हम जस्ट देन का इस्तेमाल करेंगे. ओके फ्रेंड्स, तो जस्ट देन आई सॉ अ टाइगर, तभी वो आधम का, ये भी सेम सेंटेंस है. जस्ट देन ही केम,
मीन्स तभी वो आधम का मतलब तभी वो आ गया, जस्ट देन ही केम, तभी तुम सफलता पा सकते हो। अब यहाँ पर कंडीशन, यहाँ पर वाक्य की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पर कंडीशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर मतलब वहाँ दो सेंटेंस में मैंने वाक्य की बात की है कि कुछ हुआ, मीन्स कुछ हुआ उसकी हम बात करते हैं कि तभी दरवाज़ा खुला, तभी एक कुत्ता आया, तभी मीन्स वाक्य की बात करते हैं हम, तो उसमें हम जस्ट देन लगाएंगे। और जब कभी कंडीशन की बात करेंगे हम तो वहाँ पर जस्ट देन नहीं लगाएंगे, ओनली देन लगाएंगे। तभी तुम सफलता पा सकते हो, मतलब बोलते हैं ना, तुम जब तुम कठिन मेहनत करोगे तभी तुम सफलता पा सकते हो, या तुम तभी सफलता पा सकते हो जब तुम कठिन मेहनत करोगे, इस तरह का है। तो वो सेंटेंस इतना लंबा बनाने की ज़रूरत नहीं है, इतना में आप समझ लोगे, ये समझ लोगे तो वो उतना लंबा बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा, ठीक है। तभी तुम सफलता पा सकते हो, ओनली देन। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब इसके जस्ट बाद हम लिखेंगे, ओनली देन के बाद ही हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। कैन यू गेट सक्सेस, ओनली देन, पहले हम ओनली देन लगाएंगे जो कंडीशन वाला सेंटेंस है, ओनली देन। कैन यू, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, जो भी यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आने वाला होगा उस हेल्पिंग वर्ब का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। कैन यू गेट सक्सेस, ओके फ्रेंड्स, तभी वो तुम्हारी मदद करेगा, तो ओनली देन विल ही हेल्प यू। इतना ध्यान रखना फ्रेंड्स कि ओनली देन के बाद ही हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ज़्यादातर लड़के यहाँ गलत कर देते हैं और ओनली देन ही विल हेल्प यू ऐसा बोल देते हैं, बट ऐसा नहीं होगा। ओनली देन के बाद हम ही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, ओके फ्रेंड्स। वह हंसता ही रहता है, अब यहाँ पर अलग तरह का सेंटेंस हो गया, यहाँ से ये अलग सेंटेंस हो गया। वह हंसता ही रहता है, वे लोग खेलते ही रहे, मैं नाचता ही रहूँगा। तो यहाँ पर वह हंसता ही रहता है, मीन्स ये ऊपर वाला जो सेंटेंस है सेम उससे ही मिलता जुलता है। तो ही डज नथिंग बट लाफ, ही डज नथिंग बट लाफ। मैंने ये जब आपको मैंने प्रेजेंट इनफिनिट टेंस के बारे में या पास्ट इनफिनिट टेंस के बारे में पढ़ा था, वीडियो बनाया था, तो उसमें इस तरह के सेंटेंसेस मैंने बताया था, तो शायद आपको याद नहीं होगा तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो हंसता ही रहता है, मीन्स वो हंसता ही रहता है, वह हंसता ही रहता है और वो हंसता रहता है, दोनों में फ़र्क है। मैंने पहले इसके बारे में एक वीडियो बनाया है कि वह हंसता रहता है और वो हंसता ही रहता है, दोनों के इंग्लिश बनाने में फ़र्क होंगे, ठीक है। वह हंसता रहता है मीन्स ही कीप्स ऑन लाफिंग, वह हंसता ही रहता है मतलब ज़्यादातर वो हंसने का काम करता है और कुछ नहीं करता है, हंसता ही रहता है, जब देखो तब वो हंसता ही रहता है, ठीक है। तो ही डज नथिंग बट लाफ, वे लोग खेलते ही रहे, ये पास्ट हो गया, तो दे हो जाएगा, सॉरी, दे डिड नथिंग बट प्ले, दे डिड नथिंग बट प्ले, वे लोग खेलते ही रहे। अब इसी तरह से मैं नाचता ही रहूँगा, तो सेम सेंटेंस है, आई शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ, आई डू नथिंग बट नाचता है तो डांस, आई डू नथिंग बट डांस। अब ये यहाँ पे थ्री टाइप्स के सेंटेंस आए हैं आपके पास, यहाँ पर ये पहला और ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला और दूसरा एक दूसरे से मिलता जुलता है, बट यहाँ पर किसी सब्जेक्ट के कुछ क्रिया करने का बोध होता है यहाँ पर, ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर किसी जगह का बोध होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों स्टेप समझ में आ गए होंगे, ये इम्फेटिक एंड स्टेटमेंट्स में आपको इस तरह का सेंटेंस किस तरह से बनाते हैं हम, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और भी इसके बारे में वीडियो में बनाऊँगा, आगे बनाता रहूँगा जब तक ये इम्फेटिक और स्टेटमेंट्स वाले सेंटेंसेस ख़त्म नहीं हो जाते हैं। आप बस एक एक दो दो स्टेप, तीन तीन स्टेप आप हर वीडियो में आप अच्छी तरह से कवर करते जाओ, मीन्स अच्छी तरह से देखो, आप इसको सीखो और समझो, थोड़ा थोड़ा खाओ लेकिन चबा कर खाओ। कहते हैं ना कि पांच रोटी की बजाय
आप तीन रोटी ही खाओ, लेकिन तीन रोटी अच्छी तरह से चबा कर खाओ तो पांच रोटी से भी ज़्यादा फायदा करेगा। अगर आप पांच रोटी बिना चबाए फटाफट हड़बड़ी में खा लेते हो तो वो दो रोटी के बराबर भी काम नहीं करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए बोलते हैं थोड़ा खाओ लेकिन चबा चबा कर खाओ, अच्छी तरह से खाओ। तो थोड़ा सीखो लेकिन अच्छी तरह से सीखो, सीखते जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारे चैनल पर जो दोस्त नए हैं उनसे हमारे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स, थैंक्स अ लॉट एंड धन्यवाद।